दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट फॉर अलर्ट न्यूज के साथ। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मोदी सरकार की। तो मोदी सरकार जल्द ही प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए 3 ऐसे नियम लेकर आ रही है जिससे उन्हें बहुत ही फायदा हो। साथ ही यह प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, मजदूरी करने वालों के लिए और जो भी प्राइवेट वर्क कर रहा है सभी के लिए नियम लागू। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ऐसी अपडेट वाले न्यूज मिलते रहे। दोस्तों अपडेट खबर निकल कर आ रही है punjabkesari.com से, जो कि बड़ी वेबसाइट है और सही खबर प्रदान करती है। अपडेट खबर है दोस्तों, प्राइवेट नौकरी वालों को मोदी सरकार देगी तोहफा, ला रही है 3 महत्वपूर्ण कानून। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश के कर्मचारियों और मजदूरों को खुश करने की तैयारी में है। केंद्र में मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना फोकस ऐसे ही वर्ग पर करना चाहती है। सरकार प्राइवेट नौकरी करने वालों से लेकर दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों को कई तरह की राहत दे सकती है। तो सरकार कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द ही 3 महत्वपूर्ण कानून ला सकती है। यह कानून की मदद से कर्मचारियों को सुरक्षा, न्यूनतम सैलरी और इंश्योरेंस जैसे लाभ मिलने के आसार है। क्या है नए कानून? दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, लेकिन व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति। इस ड्राफ्ट कोड में प्रावधान किया गया है कि कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी, फैक्ट्री या संस्थाओं को अपने हर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र देना होगा। वे बिना अपॉइंटमेंट लेटर के कर्मचारियों से काम नहीं करवा सकते। अपॉइंटमेंट लेटर देने का मतलब है कि उन्हें कर्मचारियों की मिनिमम वेज देना होगा। कंपनी लॉ के मुताबिक कर्मचारियों को सभी तरह की सुविधाएं देनी होंगी। इसके अलावा इस ड्राफ्ट कोड में कार्यस्थल पर कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। कंपनी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वर्किंग प्लेस में ऐसी कोई चीज ना हो जिससे कर्मचारियों को बीमार या घायल होने का रिस्क हो। ऐसा होने पर कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उन्हें कर्मचारियों को मुआवजा भी देना होगा। तय होगा न्यूनतम सैलरी का कानून। दोस्तों दूसरा विधेयक है कोड ऑन वेजेज। यह बिल केंद्र को सभी सेक्टर के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। इसका पालन राज्यों को भी करना होगा। इसके तहत 4 कानून, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिमुनरेशन एक्ट 1976 को मिलाकर वेजेज यानी वेतन की परिभाषा तय की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद लाभ ज्यादा। दोस्तों तीसरा विधेयक है सोशल सिक्योरिटी कोड। इसके तहत सरकार ने रिटायरमेंट, हेल्थ, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और मैटरनिटी बेनिफिट्स देने के लिए एक बड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव किया है, जिसमें मजदूरों और प्राइवेट कर्मचारियों को भी यह 3 नियम बहुत ही लाभ पहुँचाएंगे। यानी कि आपको अब इंश्योरेंस मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद लाभ और एक अच्छी सैलरी। दोस्तों यह बहुत अच्छी योजना है, जल्द ही मोदी सरकार इसे लागू करने वाली है 3 नियमों को, जिससे कि प्राइवेट कर्मचारियों और मजदूरों को लाभ मिलेगा। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सूचित करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट व अलर्ट न्यूज़ के प्राप्त करने के लिए बने रहे नमस्ते इंडिया न्यूज़ के साथ और तुरंत बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ऐसे अलर्ट और अपडेट न्यूज़ मिलती रहे, क्योंकि हर काम की खबर आप तक पहुंचाना है हमारा लक्ष्य। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके और आने वाली योजनाओं से अवगत हो सके। तो दोस्तों तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।